हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जो आज की स्टोरी है, आपको इस स्टोरी में कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है, हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, ये बड़ी बेसिक सी स्टोरी है, तो इसके अंदर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज फार्मर। दोस्तों, वाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान या फिर समझदार। और फार्मर मतलब किसान। तो क्या मतलब हुआ, द वाइज फार्मर मतलब कि समझदार किसान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन नाइट, एक रात, अ वाइज फार्मर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ फेयर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है वॉज रिटर्निंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जब भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वॉज वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वन नाइट, एक रात, अ वाइज फार्मर मतलब एक समझदार किसान, या कह सकते हैं बुद्धिमान किसान, वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था होम, घर लौट रहा था, फ्रॉम आ फेयर, फेयर का मतलब था मेला, एक मेले से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एक रात एक समझदार किसान अपने घर लौट रहा था, मतलब वॉज रिटर्निंग होम, अपने घर लौट रहा था, फ्रॉम आ फेयर, एक मेले से। ही बॉट अ बफलो फ्रॉम देयर। दोस्तों, बफलो का मतलब होता है भैंस। और ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाया जाता है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में यदि आप कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और वहाँ पर किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो वर्ड है बी ओ यू जी एच टी, ये बाय की सेकेंड फॉर्म है, बाय मतलब खरीदना और बॉट मतलब खरीदा। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ही बॉट अ बफलो फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, उसने वहाँ से एक भैंस खरीदी। चलिए आगे देखिए, वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है पासिंग थ्रू, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का ही सेंटेंस है, वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग है। और पास थ्रू का मतलब होता है कहीं कहीं से होकर गुजरना। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, पासिंग, पास थ्रू का मतलब होकर गुजरना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है पासिंग थ्रू। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल मतलब कि जब या दौरान, वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू, जब वह वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। और डेंस का मतलब होता है घना, ये एक एडजेक्टिव है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट मतलब कि जब वह एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, उस दौरान अ डकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। और ये डकैत को इंग्लिश में डकोइट कहते हैं, आप इसकी स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, डी ए सी ओ आई टी, अ डकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, केम आ गया इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। तो क्या मतलब हुआ, वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट अ डकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम, जब वह एक जंगल से, एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, एक डाकू, एक डकैत या डाकू कह सकते हैं, वो उसके सामने आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, ही हैड अ बिग स्टिक इन हिज हैंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है। और ये जो हमारा है ये पास्ट का है, तो पास्ट में पजेसिव को शो करने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही हैड अ बिग स्टिक इन हिज हैंड मतलब कि उसके हाथ में एक बड़ी
लाठी थी। स्टिक मतलब लाठी या डंडा, एक बड़ा डंडा या कह सकते हैं बड़ी लाठी। तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था, या कह सकते हैं उसके हाथ में एक बड़ी लाठी थी। आगे देखिए, ही सैड, उसने कहा, गिव मी ऑल दैट यू हैव। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है जो इन्वर्टेड कोमा में, गिव मी दैट ऑल दैट यू हैव, ये हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक सेंटेंस। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को कोई कुछ करने का आदेश देते हैं, तो इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया जाता है। गिव का मतलब देना, गिव मी, मुझे दे दो, ऑल दैट, सब कुछ, यू हैव, जो भी आपके पास है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सैड, उसने कहा, गिव मी ऑल दैट यू हैव, जो भी आपके पास है वो मुझे दे दो। चलिए आगे देखिए, द फार्मर वॉज अफ्रेड, जो अफ्रेड मतलब भयभीत, डरा हुआ एडजेक्टिव है, जो किसान था वो डरा हुआ था। ही गेव, उसने दे दी, ऑल इज मनी, अपने सारे पैसे, टू द डकैत, डकैत को। तो क्या मतलब हुआ कि उसने अपने सारे पैसे डकैत को दे दिए। चलिए आगे देखिए, देन, फिर, द डकैत सैड, फिर डकैत, डकैत ने, डाकू ने कहा, गिव मी द बफलो टू। और दोस्तों ये जो वर्ड है टी डबल ओ टू, इसको टू पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है भी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देन द डकैत सैड, फिर डकैत ने, डाकू ने कहा, गिव मी द बफलो टू, मुझे भैंस भी दे दो। गिव मी द बफलो टू मतलब मुझको, मुझे भैंस भी दे दो। सो इसलिए द फार्मर हैंडेड ओवर द बफलोज रोप टू द डकैत। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को कुछ सौंपना, और ये जो हमारा वर्ड है हैंडेड ओवर, ये हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए द फार्मर हैंडेड ओवर द बफलोज रेप। और दोस्तों यहाँ रोप, और यहाँ बफलो के बाद एपेस्ट्रोफी एस लगाया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, बफलोज रोप मतलब भैंस की रस्सी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए द फार्मर, किसान ने, हैंडेड ओवर द बफलोज रोप, रोप टू द डकैत। तो क्या मतलब हुआ कि इसलिए जो फार्मर था, किसान था, उसने जो बफलो की, जो भैंस की रस्सी थी, उसे डकैत के हवाले कर दिया। हैंड ओवर मतलब हवाले कर दिया, हैंडेड ओवर टू द बफलोज रोप टू द डकैत मतलब कि इसलिए जो किसान ने जो उस भैंस की जो रस्सी थी वो डाकू के हवाले कर दी। चलिए आगे देखिए, देन, फिर, द फार्मर सेट, किसान ने कहा, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग व्हाट आई हैड, प्लीज़ गिव मी योर स्टिक। क्या मतलब हुआ, देन, फिर, द फार्मर सेट, किसान ने कहा, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी हम हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हमें आई के सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करना होता है। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ लगाएंगे। तो लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। तो क्या मतलब हुआ, फिर किसान ने कहा, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, व्हाट आई हैड, जो भी मेरे पास था, व्हाट आई हैड मतलब जो भी मेरे पास था, प्लीज़ गिव मी योर स्टिक, कृपया मुझे आप अपना ये जो लाठी है, डंडा है, वो दे दो। प्लीज़ गिव मी योर स्टिक मतलब कृपया मुझे आप अपना डंडा दे दो। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये डाकू है और ये वो किसान है और वो उससे विनती कर रहा है कि आप मुझे अपना डंडा दे दो। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है, बट, लेकिन, वाई डू यू नीड इट। क्या मतलब हुआ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, लेकिन, बट मतलब लेकिन, वाई डू यू नीड इट, आपको इसकी ज़रूरत क्यों है, आस्ट द डकैत, डाकू ने पूछा, आई विल गिव दिस स्टिक टू माई वाइफ। क्या मतलब हुआ, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। क्या मतलब हुआ, आई विल गिव दिस स्टिक टू माई वाइफ मतलब मैं इस लाठी को, मतलब मैं ये लाठी अपनी पत्नी को दूंगा, शी विल बी प्लीज्ड दैट एट लीस्ट आई गॉट समथिंग फ्रॉम द फेयर। क्या मतलब हुआ, शी विल बी प्लीज्ड, वह खुश होगी, दैट की
एटलीस्ट कि कम से कम आई गॉट समथिंग फ्रॉम द फेयर कि कम से कम मैं कुछ मतलब मेले से मैं कुछ लाया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आई विल गिव दिस स्टिक टू माई वाइफ, मैं इस लाठी को मतलब मैं ये लाठी अपनी पत्नी को दूंगा, शी विल बी प्लीज्ड, वह खुश होगी कि एटलीस्ट आई गॉट समथिंग फ्रॉम द फेयर कि कम से कम कुछ मतलब मैंने मेले से कुछ तो खरीदा या मैंने मेले से कुछ तो लिया। चलिए आगे देखिए, द डकोइट गेव द स्टिक टू द फार्मर, और जो डाकू था उसने ये गिफ्ट की सेकंड फॉर्म में गेव, उसने दे दी स्टिक, लाठी को दे दिया किसे, टू द फार्मर, किसान को। तो उस डाकू ने लाठी को या कह सकते हैं डंडे को उस किसान को दे दिया। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। इन नो टाइम, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, वाक्यों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला ये वर्ड है। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते। द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डकोइट, जो फार्मर था किसान था, स्टार्टेड बीटिंग, पीटने लगा द डकोइट डाकू को विद द स्टिक लाठी से। और दोस्तों ये जो विद है इसका नॉर्मली आपने सुना होगा विद का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ पर इसको कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया, तो इसका मतलब साथ नहीं है, इसका मतलब है से। तो आप इसको भी नोट कर लें। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इन नो टाइम मतलब देखते ही देखते द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डकोइट विद द स्टिक, मतलब फार्मर ने किसान ने डाकू को डंडे से पीटना शुरू कर दिया, कह सकते हैं किसान ने डाकू को डंडे से पीटने लगा। चलिए आगे देखिए, द डकोइट रन अवे, ये रन अवे की सेकंड फॉर्म है, रन अवे मतलब भाग जाना, और ये सेकंड फॉर्म है द डकोइट, डकोइट रन अवे, डाकू भाग गया, लीविंग द बफलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, लीविंग मतलब छोड़ते हुए द बफलो भैंस को एंड द फार्मर्स मनी और किसान के पैसों को बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए वो भाग गया। चलिए आगे देखिए, दिस इज़ हाउ द वाइज फार्मर सेव्ड हिज बिलोंगिंग्स फ्रॉम द डकोइट, मतलब इस तरह से उस समझदार किसान ने अपनी चीज़ों को, बिलोंगिंग्स मतलब उसका जो सामान था, जो उसकी चीज़ों को, उनको बचाया डाकू से। तो दोस्तों ये जो कहानी थी और बहुत ही सुंदर कहानी थी, और मैं समझता हूँ उसका जो सार है आप समझ ही गए होंगे कि वो डाकू घबराया, सॉरी वो जो किसान था वो उस डाकू से घबराया नहीं, डरा नहीं, बल्कि उसने बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी लाठी ले ली और उसके बाद में उसकी पिटाई भी कर दी और साथ में उसने अपने सामान की भी रक्षा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।